सोनीपत की राय दिव्य एयर प्रोडक्ट कंपनी के खिलाफ कोविड मरीजों के लिए ऑक्सीजन देने से मना करने का मामला तूल पकड़ने लगा है, जिसके चलते कंपनी के मालिक और कर्मियों पर सुरक्षा में तैनात पुलिस टीम से अभद्रता करने के आरोप लगे हैं। इसे लेकर राय थाना में कंपनी के खिलाफ दो मुकदमे दर्ज कराए गए हैं। एक मामले में सोनीपत जिलाधीश की तरफ से शिकायत पत्र दिया गया है तो दूसरे मामले में SI की शिकायत पर केस दर्ज हुआ है। राय थाना पुलिस दोनों मामलों में जांच कर रही है। वहीं इस पूरे मामले में राय थाना प्रभारी विजेंद्र ने बताया कि मामले के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। ये जिला प्रशासन ने एक शिकायत भेजी है कि हरियाणा एक्विजिशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एक्ट के अकॉर्डिंग दिव्या जो ऑक्सीजन एजेंसी है इसको एक्वायर करने के लिए DC साहब ने आदेश करे थे, लेकिन इस प्लांट के मालिक ने इनकार कर दिया। इसके बारे में मुकदमा दर्ज किया गया है। सर, क्या DC सोनीपत ने FIR दर्ज कराई है? किन आधार पर करवाई है? क्या कुछ उसमें सामने आया जांच में अभी तक? अभी जांच शुरू हुई है, मुकदमा दर्ज कर लिया है। जो भी हालात होंगे उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई करेंगे। बता दें कि जिला DC श्यामलाल पुनिया की तरफ से राय थाना में शिकायत भेजी गई है कि कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए दिव्य एयर प्रोडक्ट कंपनी से ऑक्सीजन मुहैया करानी थी। इसके लिए DC ने आदेश जारी कर 3 मई को राय औद्योगिक क्षेत्र के AGM ऋषि चौहान की कंपनी में ड्यूटी लगाई थी। बाद में AGM ऋषि चौहान ने DC को 8 मई को पत्र भेजकर सूचित किया था कि दिव्य एयर प्रोडक्ट्स कंपनी में फर्म संचालक की तरफ से ऑक्सीजन देने से इनकार कर दिया है। DC श्यामलाल पुनिया ने प्लांट के खिलाफ राय थाना में शिकायत दी। पुलिस ने कानूनी राय लेने के बाद उसके आधार पर प्लांट के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं दूसरे मामले में SI गगनदीप सिंह ने राय थाना की बहालगढ़ चौकी में पुलिस को बताया था कि वो SP के आदेश पर अपनी टीम के साथ 29 अप्रैल को दिव्य ऑक्सीजन प्लांट पर सुरक्षा के तैनात थे। यहां पर BDPO राजेश ड्यूटी मजिस्ट्रेट थे। उन्होंने बताया कि उस रात प्लांट के दो कर्मचारी आपस में झगड़ा कर रहे थे। जब वो उनका बीच बचाव करने लगे तो एक कर्मचारी ने उनका गला पकड़ लिया था और गाली गलौज की थी। काफी समझाने पर भी वो नहीं माना था और अन्य कर्मियों को बुला लिया था। इसी बीच दिव्य ऑक्सीजन प्लांट का मालिक राजबीर और उसका बेटा अभिषेक दहिया वहां पहुंच गए थे। उन्होंने SI गगनदीप सिंह और ड्यूटी मजिस्ट्रेट BDPO राजेश के गाली गलौज और साथ में हाथापाई की। दोनों ने उसके हाथ पकड़कर उसे प्लांट से बाहर धकेलते हुए जान से मारने की धमकी दी थी। SI गगनदीप सिंह की शिकायत पर राय थाना पुलिस ने राजबीर दहिया और उनके बेटे अभिषेक दहिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। सोनीपत से पवन सिंह की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।